हमास के सफाई के अभियान के दौरान इसराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया है। ईरान की राजधानी तेहरान में उसके घर पर इसराइल ने घातक एयर स्ट्राइक किया, लेकिन इसराइल के इस हमले के बाद अब हालात बिगड़ गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के घर में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बड़ी बैठक हो रही है, इसमें ईरानी सेना के प्रमुख भी शामिल हैं। अब इसराइल ईरान के बीच छिड़ेगी बड़ी जंग। दोनों देशों में फिलहाल फुल स्केल वॉर नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि इस जंग में लेबनान भी कूद जाए, क्योंकि उसने इस बात से इनकार किया है कि आईडीएफ ईरान समर्थित लेबनानी समूहों के आधे से ज्यादा कमांडरों को मार गिराया है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में यमन के तट के पास बैलिस्टिक मिसाइल से एक जहाज पर हमला किया। दोनों ही देश लंबे समय से शैडो वॉर कर रहे हैं, हमला करते हैं और मानते नहीं हैं। ये हमले छोटे, घातक या कई बार भयानक होते हैं। कभी दोस्त हुआ करते थे इसराइल और ईरान, में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन तक इसराइल और ईरान मित्र देश थे, लेकिन इसके बाद ईरान की सरकार ने इसराइल का विरोध किया। ईरान मानता था कि इसराइल जैसे देश को होना ही नहीं चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी पहले भी इसराइल को कैंसर ट्यूमर कहा है। ये भी कहा है कि इस देश को जड़ से खत्म कर देना चाहिए और पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहिए। वहीं इसराइल को लगता है कि ईरान के पास कई विध्वंसक हथियार हैं। वो फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास और लेबनानी शिया आतंकी समूह हिजबुल्ला को पैसा, हथियार, समर्थन देता है। लेकिन दुनिया में ताकतवर मिलिट्री के मामले में ईरान 14वें और इसराइल 17वें स्थान पर है। ईरान के पास मिलिट्री में काम करने लायक फिट लोगों की संख्या 4.11 करोड़ है। इसराइल के पास मात्र 31.56 लाख फिट लोग ही हैं। ईरान के पास कुल सैनिकों की संख्या 11.80 लाख है, जबकि इसराइल के पास 6.70 लाख सैनिक हैं। ईरान के पास एक्टिव सैनिक 6.10 लाख हैं, वहीं इसराइल के पास 1.70 लाख ही हैं। हथियारों के मामले में ईरान से आगे इसराइल। ईरान की वायुसेना के पास 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व में है, जबकि 358 एक्टिव हैं। वहीं इसराइल के पास 612 रिजर्व और 490 एक्टिव एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 121 हर समय हमले के लिए तैयार रहते हैं, जबकि इसराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 193 हमले के लिए रेडी रहते हैं। यानी इन मामलों में भी इसराइल ईरान से काफी आगे है। ईरान के पास 86 ट्रांसपोर्ट विमान हैं, जिनमें से 56 एक्टिव हैं। इसराइल के पास 12 हैं, जिनमें से 10 एक्टिव सर्विस में हैं, 2 स्टॉक में हैं। ईरान के पास 102 ट्रेनर्स हैं। इसराइल के पास 155 ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 84 रेडी मोड हैं, जबकि इसराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 117 एक्टिव मोड में हैं। ईरान के पास 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जबकि इसराइल के पास 48 हैं। ईरान के पास कुल मिलाकर 1996 टैंक हैं, जिनमें से 1397 इस समय जंग के लिए तैयार हैं। इसराइल के पास 1370 टैंक हैं, जिनमें से 1096 टैंक हमले के लिए तैयार हैं। ईरान के पास कुल 65,765 सैन्य वाहन हैं, जिनमें से 46,000 से ज्यादा एक्टिव हैं। इसराइल के पास 43,407 सैन्य वाहन हैं, जिनमें से 34,736 एक्टिव मोड में हैं।